सर्किल जेल शिवपुरी में 21 साल के कैदी ने टॉयलेट में फांसी लगाकर जान दे दी। 13 दिन पहले ही कोर्ट ने किशोरी को अगवा कर रेप के केस में उसे 20 साल की सजा सुनाई थी। कैदी की मौत के पीछे की वजह चौंकाने वाली है। एक लड़की जिससे वह बेइंतहा प्यार करता था, प्यार के खातिर ही जेल पहुंचा। जब किसी और के साथ उसके घर बसाने की बात पता चली तो वह टूट गया और अपनी जान दे दी। रन्नौत के ग्राम वेदमऊ के रहने वाले 21 साल का पाती राम आदिवासी 2020 में 14 साल की किशोरी को अपने साथ ले गया था। किशोरी के परिवार ने पाती राम के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। दोनों के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद किशोरी का मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पाती राम के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। शुक्रवार दोपहर उसने फांसी लगा ली। शनिवार को पोस्टमार्टम करवाने आए पातीराम के भाई जनवेद और दोस्तों ने बताया कि पातीराम के पिता टमाटर तुड़ाई का ठेका लिया करते थे। वे मजदूरों को लेकर गांव-गांव जाया करते थे। पातीराम भी पिता के साथ गांवों में जाया करता था। इसी दौरान जब उसकी मुलाकात सुरवाया इलाके की किशोरी से हुई तो पातीराम उसे दिल दे बैठा। इसके बाद उसका लड़की के गांव में आना जाना शुरू हो गया। एक दिन दोनों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद दोनों रोज बात करने लगे। पातीराम और किशोरी के प्यार के चर्चे गलियों से निकलकर गांव के हर घर तक पहुंच चुके थे। किशोरी के परिवार के कानों तक बात पहुंची तो उन्होंने किशोरी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी कर दी गई। लड़की की शादी के बाद पातीराम गुमसुम रहने लगा। बेटे की हालत देखकर परिवार ने उसकी शादी करने के बारे में सोचा। बहुत कोशिशों के बाद वह शादी करने के लिए राजी हुआ। किशोरी पति का साथ छोड़कर वापस मायके रहने आ गई। इस बात का पता पातीराम को चला तो वह तड़प उठा। उसने उससे मिलने की ठानी। आमने सामने हुए तो दोनों के दिल फिर मिल गए। उनके बीच मेलजोल बढ़ गया। किशोरी के घर वालों को पता चला तो उन्होंने विरोध किया। इस पर दोनों भाग गए। गुस्साए परिजन ने दस्तावेज के आधार पर 15 साल की लड़की के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। पातीराम के करीबियों का कहना है कि दोनों ने भाग कर शादी भी कर ली थी। 15 दिन जयपुर रहने के बाद पातीराम लड़की के साथ वापस घर पहुंचा था। गांव आते ही पातीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया। रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने पातीराम के खिलाफ पॉक्सो समेत दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया और कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। पातीराम के पिता ने जैसे तैसे कुछ महीने बाद पातीराम को जमानत पर जेल से बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही इनके बीच फिर से प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों के बीच बातचीत के साथ मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। जब इसका पता किशोरी के परिवार वालों को चला तो वे फिर से भड़क गए। उन्होंने उसकी दूसरी शादी करवा दी। हालांकि लड़की का विरोध जारी रहा। पातीराम फिर अकेला हो गया। 5 नवंबर 2020 को किशोरी के अपहरण और बलात्कार के मामले में मेडिकल तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने पातीराम को 20 साल की सजा सुना दी। इसके बाद वह एक बार फिर से जेल चला गया। जेलर दिलीप सिंह का कहना है कि मौत के कारणों का तो पता नहीं, लेकिन उसे कुछ समय पहले ही 20 साल की सजा हुई थी। भाई के प्रताड़ना के आरोप को लेकर कहा, जेल में किसी भी प्रकार से उसे प्रताड़ित नहीं किया जाता था। भाई के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। परसों के दिन कहा तो मेरे विवाह से समूह सजा किया रहा तो भैया मैं बहुत परेशानी में हूँ। कई बहुत परेशानी में हूँ। मुँह मारते पीटते मुँह से पैसा मांगते 25,000 रुपया मांगते कई। कौन मार पीट रहा होगा? मैं जेलर जेलवार है। अब मैं तेरे को जानकारी नहीं है। पर्यंत तो कुछ भी कह सकते हैं ऐसे टाइम। ऐसा कुछ नहीं। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।
दमदड़िया।